मामला है और ये बिंदा गांव है, बिंदा गांव है, साथ में संग्राम पट्टी है और इसमें सराय मंसूर है। ये तीन चार गांव है जिसमें यह आवाज़ सामने आई कि 14 तारीख से 16 तारीख के मध्य में कुछ लोगों की अवैध शराब से किसी मन से मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो विभिन्न समाचार पत्रों में हम लोगों ने देखा है जिसमें अलग अलग लोगों के नाम और अलग अलग संख्याएं बताई गई हैं, इसमें जितने भी नाम और संख्याएं हम लोगों को प्रमुख समाचार पत्रों में दी गई हैं और लिखाई पड़े, उनका हर एक का हम लोगों ने सत्यापन करवाया है, जिससे प्रशासन और पुलिस की टीम ने जाकर उनके परिजनों से बातचीत की है, वहाँ पर लोगों से बातचीत की है वस्तुस्थिति जानने के लिए। और जो प्राइमरी ढंग से अभी जो बात निकल कर हमारे सामने निकल कर आ रही है, इसमें 5 लोगों के परिजनों ने तो स्पष्ट रूप से बीमारी या अन्य कारणों से मृत्यु की बात कही है। एक बहुत स्पष्ट तौर से उनका ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और बीमारी की वजह से मृत्यु हुई और उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका था उनके परिजनों के द्वारा। तो इनके संबंध में शराब से मृत्यु की किसी बात की पुष्टि ऐसे 5 लोगों के विषय में नहीं की जा सकी। शेष 6 लोग ऐसे हैं जिनके विषय में और आगे अभी कार्रवाई की जा रही है और इस बात का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें बिंदा के अजय गुप्ता सन ऑफ खोदलाल हैं और बिंदा के छोटेलाल कन्नौजिया सन ऑफ रामलाल हैं, संग्राम पट्टी के बुद्धिराम भरतिया सन ऑफ शंभुनाथ हैं, संग्राम पट्टी के रामजी सन ऑफ रामशंकर भरतिया हैं। तो इनकी तो पोस्टमार्टम करवाई गई है और जो परिजनों से जानकारी की गई है, अन्य माध्यमों से भी जानकारी की गई, उसमें इनके शराब के सेवन की बात सामने आ रही है कि इन्होंने शराब का सेवन किया था। वो स्पूरियस लीकर और जहरीली शराब आदि होने के संबंध में विसरा जो सुरक्षित रखी गई उसकी विस्तृत आख्या जो आएगी उससे बात स्पष्ट हो पाएगी। 2 लोग हैं और सराय मंसूर के एक विमल उर्फ मखंचू हैं, पुत्र राज बहादुर भाटिया। इनके संबंध में इनके परिजनों के विरोधाभासी बयान है और इसलिए इसको भी हम लोग ओपन रख रहे हैं और इसमें और इसकी तथ्यों की पुष्टि करवाई जा रही है कि शराब के सेवन से इनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। और एक है बिंदा के ही खदेरू कन्नौजिया, तो इनके परिजनों ने क्योंकि इनका भी अंतिम संस्कार किया जा चुका था और इनके परिजनों ने शराब के सेवन की बात बताई है कि शराब के सेवन ये किया करते थे, नियमित रूप से किया करते थे और मरने के पहले भी इन्होंने शराब का सेवन किया था, तो इसको भी हम ओपन रख रहे हैं। चूँकि इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया लेकिन इसे भी हम ओपन रख रहे हैं और इस बात को और गहराई से अभी चेक करवा रहे हैं कि शराब से मृत्यु इनके शराब किसका सेवन इनकी मृत्यु का कारण कहां तक है। तो कुल मिलाकर यही स्थिति है। कुल 4 लोगों को SRN मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, बबलू गुप्ता, बुल्ले कन्नौजिया, विजय भुवाल सुल्तान। यह जानकारी करने पर कि किन लोगों ने और भी गाँव में शराब का सेवन किया, इन लोगों को इस आधार पर हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया गया। ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी भी तरह के खतरे से बाहर हैं। इसमें जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है और लोगों की पकड़ पकड़ हो रही है उसके विषय में यही सब वो स्थिति है, ये विस्तार से बताएंगे। से ही लोगों की मृत्यु के बारे में, तबीयत खराब होने के बारे में पता चला, तुरंत से ही पुलिस और प्रशासन के सभी लोग, एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी लोग आए वहाँ पर, लोगों को हॉस्पिटल भेजने की कार्रवाई तुरंत से शुरू हुई। और इसके अलावा तुरंत ऐसे सभी जगहों पर जहां पर शराब के स्टाफ हो सकते हैं उन सभी जगहों पर रेड किए गए। कुछ स्टाफ को हमने वहां से बरामद भी किया, कुछ को वहां पर लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, उन लोगों को भी हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा तुरंत ही हमने केस रजिस्टर किया है, क्राइम नंबर 113/21, सेक्शन 328, 272 IPC और 60/63 UP उत्पाद शुल्क और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, जिसमें टोटल 4+1 लोग नामजद हुए हैं, जिसमें से एक विनोद भारतिया को हिरासत में लिया गया है। शेष अन्य 8 लोगों को उनके कहे के आधार पर कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके बयान को लिया गया है डिटेल में, लेकर के 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो बाकी नामजद लोग हैं सबकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग व्यापक छानबीन कर रहे हैं कि किस तरह से शराब यहाँ पर आई है, कहाँ से बिकी है, पूरी चेन और लिंक को तलाशने की कोशिश हो रही है। हमारी कोशिश यह है कि ऐसे सभी जगहों पर जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, होने की संभावना है, उस पर पूरी तरह से कठोर कार्रवाई हो। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर घटना हुई है, यहाँ के चौकी इंचार्ज को इमीडिएटली और उनके साथ में उनके 3 कांस्टेबल को, जिनकी लापरवाही उजागर होती है कि ऐसे जगहों पर उनको
बहुत ही मुस्तैदी के साथ उनको रहना चाहिए, इस बात के बार बार निर्देश दिए गए हैं और हमने इस बीच कार्रवाइयाँ भी काफ़ी करी हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये चूक हुई है इसलिए हमने तुरंत ही उनको निलंबित करके उनके ऊपर कार्रवाई की है। आगे घटना ना हो इसके लिए आपकी तरफ से कोई ठोस कदम? इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए बहुत ही व्यापक तौर पर फिर से समीक्षा करके कार्रवाई हो रही है। आप जान रहे हैं कि इस बीच में हमने प्रयागराज में बहुत सारी जगहों पर हमने रेड मारे हैं, आप लोगों से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, पब्लिक से भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है और सभी जैसे भी कोई भी समाचार मिलता है हम लोग उसके आधार पर तुरंत ही कार्रवाई करते हैं, बल्कि कई कार्रवाइयाँ बहुत ही कठोरतम हुई है, एग्जाम्पलरी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इन परिस्थितियों में चूक हुई है इनको देखते हुए, और फिर अन्य कहीं इस तरह की कार्रवाई न हो, इस तरह की कोई घटना न हो इसके लिए हम लोग फिर से कार्रवाई करेंगे। इस बात को हम फिर से देखेंगे कि जो लोग भी हैं पुराने केसेज में, हम लोग 10 साल के पूरे केसेज को निकाल करके उनकी छानबीन करके जिनके ऊपर भी एक्साइज एक्ट की कार्रवाई हुई है उनकी सक्रियता क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी की फिर से हम लोग छानबीन करके उनके ऊपर कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे।